वेलकम गाइस, मेरा नाम है सोले, मेरे चैनल का नाम है लाइव विद सोले। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी तीन ब्रूडर टॉयज की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। गाइस, अगर आपको नहीं पता कि ब्रूडर टॉयज एक टॉयज की कंपनी है गाइस, वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के टॉयज बनाती है गाइस, वो जर्मन कंपनी है। तो गाइस, आज मैं आपको उनके टॉयज दिखाऊंगा, थ्री टॉयज। तो गाइस, सबसे पहले जो हमारा जो टॉय होगा वो होगा ये लैंड रोवर। गाइस, इस गाड़ी का नाम है लैंड रोवर। गाइस, आप इसका कलर देख सकते हैं, ऑरेंज और ग्रे कलर का काफ़ी अच्छा कलर है। और गाइस, ये इसकी फ्रंट है, ये इसकी बैक लुक है। तो गाइस, इसके दरवाजे भी खुलते हैं। गाइस, इसका एक दरवाज़ा, ये गाइस इसका दरवाज़ा भी खुलता है। गाइस, ये इंजन भी खुलता है। गाइस, इंजन का रॉड लग गया। ये पीछे की ट्रंक भी खुलती है और साइड का भी दरवाज़ा खुलता है। गाइस, ये आप देख सकते हैं कि पीछे की ट्रंक भी खुलती है और ट्रंक में गाइस जगह भी है सामान रखने के लिए, जैसे कोई छोटी मोटी चीज़। तो गाइस, ये थी लैंड रोवर। और गाइस, मैं आपको इसकी एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। गाइस, ये देखिए गाइस, यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि क्या चीज़ है। गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि इसको जब हम निकालेंगे गाइस, तो फिर हम इसके ऊपर गाइस ऐसे लगाएंगे। तो गाइस, आप आगे वाले फ्रंट व्हील्स को देखिएगा। गाइस, वो देखिए स्टेयरिंग व्हील्स घूम रहे हैं। और साथ में गाइस, अगर हम मैं स्टेयरिंग व्हील को मोड़ूंगा तो फिर गाइस वो व्हील्स तब भी मुड़ते हैं और इससे भी मुड़ते हैं। गाइस, ये वाला फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। गाइस, ये मैंने गाड़ियाँ मैंने पाकिस्तान से नहीं बाई की, मैंने सऊदी अरब से बाई की हैं। तो गाइस, आप कमेंट करके बता दीजिएगा आपको ये गाड़ी कैसी लगी। तो गाइस, अब जो हमारी जो नेक्स्ट कार है वो होगी जीप रैंकलर। वैसे हमारी नेक्स्ट कार है, ये है जीप रैंकलर। और गाइस, तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट से इसकी लुक ऐसी है। गाइस, इसकी बैक लुक ऐसी है। तो गाइस, अब मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगा। गाइस, इसका इंजन का रॉड खुल गया, ये यहाँ पे लगा, दरवाज़ा इसके यहाँ तक गया, ये भी दरवाज़ा ऐसे पूरा खुल सकता है। गाइस, ये पीछे की ट्रंक भी खोल दी, शीशा ऊपर कर दिया। गाइस, तो ये देखिए, इसका भी सब कुछ खुल सकते हैं और साइड के भी दो दरवाजे खुल सकते हैं। और तो गाइस, अब इसको बंद करें इस ट्रंक को। तो गाइस, अब मैं आपको इसकी एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ गाइस, कि आप ना इसका ये भी उतार सकते हैं और इसको ऑफ रोडिंग के लिए भी बना सकते हैं। गाइस, देखिए ऑफ रोडिंग के लिए बन गई गाइस ये। गाइस, इसके नीचे भी है ये स्टीयरिंग मोड़ने के लिए। गाइस, ये फीचर मुझे काफ़ी पसंद है। गाइस, ये देखिए स्टीयरिंग भी मोड़ेंगे तब भी मुड़ता है, स्टीयरिंग भी मोड़ रहे हैं और जब इससे भी करते तब भी मुड़ता है। तो गाइस, ये थी हमारी सेकंड कार। और गाइस, जो अब आएगी थर्ड, वो गाइस वो एक कार नहीं होगी गाइस, वो एक वैन होगी। तो गाइस, ये रही हमारी वैन। गाइस, ये DHL की वैन है गाइस, ये गाइस ये मर्सिडीज की है। और गाइस, वो रेड वाली गाड़ी थी जीप रैंकलर और वो ऑरेंज वाली गाड़ी थी लैंड रोवर। गाइस, ये है मर्सिडीज की वैन DHL सर्विस। ये बैक साइड से ऐसी है, साइड से ऐसी। गाइस, इसका ये दरवाज़ा खुलता है। गाइस, यहाँ पे तो पीछे दरवाज़ा है नहीं। तो गाइस, मैं आपको ये दिखाता हूँ। गाइस, इसके पीछे की ट्रंक खुलती है। गाइस, कल अंदर सामान पड़ा हुआ था इसके। तो गाइस, अब ये देख सकते हैं गाइस, मैं अब आपको ये दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए ट्रंक काफ़ी ज़्यादा है इसकी, बड़ी है उन दोनों गाड़ियों से। गाइस, इसकी ज़्यादा बड़ी ट्रंक है, ये दरवाज़ा भी खुल सकता है, ये भी। और गाइस, इसका स्टेयरिंग नहीं मुड़ता, ये देख सकते हैं आप। इसके व्हील्स नहीं मुड़ सकते क्योंकि
इसके सिर्फ स्ट्रेट है, ना ही इसके साथ वो मिलता है, बस ना ही इसके साथ ये चीज़ मिलती है बस, क्योंकि काफ़ी बड़ी वैन है इसलिए, बस ये उसके ऊपर ये दो दो ये सनरूफ्स लगे हुए हैं लेकिन खुलती नहीं है गाइस। देखिए इसमें शॉक्स भी हैं, तो गाइस ये थी आज की हमारी गाड़ियाँ। तो गाइस आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको इन दोनों इन तीनों में से कौन सी गाड़ी और वैन अच्छी लगी। गाइस मुझे तो ज़्यादा पसंद वो रेड वाली जीप रैंकलर आई है गाइस, आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आई आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप क्यों ये वीडियो कैसे लगी और आपको इन तीनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छा टॉय लगा। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड अलाउ।